कोरोना संकट में केंद्र और महाराष्ट्र के बीच सियासी घमासान जारी है। इसकी वजह प्रवासी मजदूर हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 7 घंटे में एक के बाद एक 10 ट्वीट कर जहां उद्धव सरकार पर निशाना साधा, वहीं शिवसेना ने भी उन पर पलटवार किया। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी महाराष्ट्र में मजदूरों की हो रही मुश्किलों पर सवाल उठाए और कहा कि मजदूरों के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अब किसी मजदूर को यूपी से ले जाने के लिए राज्यों को उत्तर प्रदेश सरकार से मंजूरी लेनी होगी। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों के पलायन और घर वापसी को लेकर सियासत चरम पर है। राज्य में मजदूरों को हुई मुश्किलों के लिए बीजेपी ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा, एक भूखा बच्चा ही अपनी माँ को ढूंढता है। अगर महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली माँ बनकर भी मजदूरों को सहारा दिया होता तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले उत्तर प्रदेश के निवासियों को वापस न आना पड़ता। दरअसल शिवसेना के मुखपत सामना में संजय राउत ने सीएम योगी की तुलना तानाशाह हिटलर से की थी, जिसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि यूपी के प्रवासी मजदूरों की जिस तरह दुर्गति हुई है उसे देखकर ये फैसला हुआ है कि अब अगर किसी राज्य को मैन पावर चाहिए तो उसे अनुमति लेनी होगी। अगर किसी राज्य को मैन पावर चाहिए तो इस मैन पावर को सोशल सिक्योरिटी की गारंटी स्टेट गवर्नमेंट देगी, इसका बीमा कराएगी, इसको हर प्रकार से हम सुरक्षा देंगे, लेकिन साथ साथ तो राज्य सरकार बिना हमारी परमिशन के हमारे लोगों को लेकर के नहीं जाएगी, क्योंकि कुछ राज्यों में जिस प्रकार की दुर्गति हुई है, जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है, उसको देते हुए हम इनकी सोशल सिक्योरिटी की गारंटी अपने हाथों में लेने जा रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मजदूरों की परेशानी के लिए केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ा था और कहा था कि मजदूरों के लिए रेलवे पर्याप्त ट्रेनें उपलब्ध नहीं करा रहा है। इसके बाद से रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को 7 घंटे में 10 ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार से जरूरी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी, लेकिन उन्हें डिटेल नहीं मिल पाई। रात 2:11 पर गोयल ने 10वां ट्वीट किया और बताया कि रेलवे महाराष्ट्र को 125 ट्रेनें देने को तैयार था, लेकिन सिर्फ 46 ट्रेनों की मांग की गई। गोयल ने रविवार शाम 7:14 पर 3 ट्वीट किए। उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने लिखा कि उम्मीद है कि पहले की तरह ट्रेनें स्टेशन पर आने के बाद खाली नहीं लौटेंगी। हालांकि शिवसेना नेता संजय रावत ने अपने जवाबी ट्वीट में कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने रेल मंत्रालय को जरूरी ट्रेनों की सूची दी है। पीयूष जी से सिर्फ विनती है कि ट्रेन जिस स्टेशन पर पहुंचनी चाहिए उसी स्टेशन पर पहुंचे, गोरखपुर के लिए जाने वाली ट्रेन उड़ीसा न पहुंच जाए। रेल मंत्री ने महाराष्ट्र को अब तक 525 ट्रेनें उपलब्ध कराई हैं, जिनमें 7.5 लाख लोगों ने सफर किया है। जब जब जो भी ट्रेनें मांगी जाती हैं, वो दी जा रही हैं। रेल मंत्री खुद इसकी निगरानी करते हैं। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है और राज्य सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए केंद्र पर आरोप मढ़ रही है। महाराष्ट्र की शिवसेना गठबंधन सरकार और केंद्र के इस वार पलटवार के बीच एक सच्चाई ये भी है कि कोरोना वायरस ने सबसे बड़ी चोट महाराष्ट्र पर की है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 के पार जा चुकी है और इस बीमारी से 1600 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच प्रवासी मजदूरों के पलायन और घर वापसी के मुद्दे को लेकर भी सरकार सवालों के घेरे में। ब्यूरो रिपोर्ट, सहरसा।